नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञान व्यापी से जुड़े दो मामलों में आज सुनवाई हुई। तहखाने में पूजा पाठ पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। साथ ही ज्ञान व्यापी परिसर में बंद दो अन्य तहखाने की ASI सर्वे की मांग पर भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने सुनवाई के लिए अग्रिम तारीख 28 फरवरी नियत की है। वकील साहब, ज्ञान व्यापी से संबंधित मामले की क्या रही अदालती कार्रवाई आज? आज देख के दो मुकदमे थे, राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और शैलेंद्र पाठक व्यास बनाम अंजुमन इंतजामिया वगैरह। दोनों मुकदमे साथ लगाए, जिला जज की अदालत इसमें रिक्त है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश जो हैं प्रथम वो इंचार्ज में हैं और इंचार्ज महोदय इस मुकदमे को सुनवाई नहीं करेंगे। जब तक कोई जिला जज नहीं आते हैं तब तक इस मुकदमे में ऐसे ही चलता रहेगा। आज 28 फरवरी डेट लग गई है, उनमें जो भी प्रार्थना पत्र था उस पर आपत्ति प्रत्यापत्ति देने के लिए निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग अपने आपत्ति प्रत्यापत्ति दीजिए। और इसी संबंधित मुकदमे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में भी आज बहस पूरी हो गई है, सिविल डिवीजन जिसमें आदेश आना और आदेश मतलब हम मिला के ये कहें कि कोर्ट रिक्त होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकती। हाँ, रिक्त नहीं कह सकते हैं इंचार्ज के यहाँ जाने से और जिला जज का कोर्ट रिक्त होने से। जी, अपना परिचय दें। मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता हिंदू पक्ष। ज्ञान वापी प्रकरण में आज दो मुकदमे जिला जज की कोर्ट में लगे थे, उनकी अनुपस्थिति में ये दोनों ही मुकदमे ADJ प्रथम के द्वारा इंटरटेन किए जा रहे हैं। और उस पर प्रथम मामला है कि सोमनाथ ब्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ निरंतर चल रही उसको रोका जाए, ये मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी। और दूसरा विषय था कि ASI का सर्वे की कापी सभी पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई है और इस विषय पर भी हिंदू पक्ष अपना अभिमत रखेगा, अपना पक्ष रखेगा। इन दोनों ही विषयों पर जनपद न्यायाधीश के स्थान पे ADJ प्रथम अनिल कुमार पंचम द्वारा सुनवाई की गई और उन्होंने अगली तिथि 28 फरवरी की नियत की है। तो उस दिन हम लोग आशा करते हैं कि हमारे पक्ष को विधिवत सुना जाएगा और इस बीच संभव है कि जनपद न्यायाधीश भी अपना चार्ज ले लें। नए आए उनका स्वागत है और हमारे इस बाबा विश्वनाथ जी के मुकदमे को और भी अंजाम मिले, शक्ति मिले, आगे बढ़े।